कंट्रोल है, जो गाड़ी ऑटो असिस्ट है इसको आप लगा लेते हो अपने मोड में। इसके बाद आप क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, गप्पे मारते हैं, पालथी मोड़ के यहाँ बैठ जाएंगे सीट को पूरा। ये देखो, ये भाई साहब देखो हमारे ये पालथी मोड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सीट हरकतें करने से आप खुद की भी जान लेके जाएंगे, साथ में सामने वाला जो बेचारा कोई गरीब अपने घर जा रहा है उसको भी ठोक के उसकी भी जान ले लेंगे आप। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई जैसा कि भाई बहुत से लोगों ने बोला रहा कि क्रूज कंट्रोल क्या होता है दोस्तों, उस पर वीडियो में लेके आ चुका हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर हमारे आउटलैंडर कार वाले भैया भी हैं, भाई इन्हीं भैया है जो बोलेरो मॉडिफाइड करे रहे, आप भर भर के जो कमेंट कर रहे हो ना, तो यही भाई साहब है ना, इनका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब मेरे को परेशान नहीं करना, इन्हीं से पूछना कि भाई मॉडिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, है ना। तो अब हम भाई है हमारे पास महिंद्रा XUV 500, ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे क्रूज कंट्रोल जो मोड होता है वो कैसे लगता है। तो भाई चलते हैं अब दंदनाते हुए सपाटे। क्रूज कंट्रोल करने के लिए एक स्पीड हमें तय करनी होती है कि हमें क्रूज कंट्रोल किस स्पीड में करना है। अब मैं मान लेता हूं कि मुझे 80 की स्पीड में आपको क्रूज कंट्रोल करना है, तो मैं 80 की स्पीड में ले जाऊंगा और क्रूज कंट्रोल में एक प्लस की बटन होती है उसे प्रेस करके रखूंगा और ये लॉक छोड़ दूंगा। अब मेरे पैर देखिए, मेरे पैर ये दूर है और मेरी कार जो है बकायदा चल रही है 80 की स्पीड में, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, बस स्पीड में चलती रहेगी। तो ये इतना रिलैक्स वाला फंक्शन है कि आप बढ़िया अपने एक रिलैक्स मोड में बैठ जाइए और आराम से चलाते रहिए कार, लेकिन इतनी आराम से नहीं चलाना है क्योंकि हाल ही में हुए ऋषभ पंत जी के एक्सीडेंट ने हमारे पूरे भारत देश को डरा के रख दिया है। तो अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी ऐसे फ्री होके कार चलाते हैं तो प्लीज़ केयरफुली रहें और कार को स्लो चलाएं, ज़्यादा स्पीड ना चलाएं, जिससे आप लोग और आपके परिवार सेफ रहें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि क्रूज कंट्रोल के कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे मैं आपको बताऊँगा कि फ़ायदे ये है कि जैसे आप भाई थक चुके हैं, एक्सप्रेस वे है, अच्छा खासा हाईवे है, तो उसमें आप 60 की स्पीड में आप जाके क्रूज कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं ताकि भाई 60 की स्पीड में आपकी गाड़ी चलते रहे। और मेरा सजेशन रहेगा दोस्तों कि आप 60-70 के ऊपर क्रूज कंट्रोल तो बिल्कुल भी ना लगाएं, लेकिन जहां आपको ये सिंगल हाईवे टाइप मिलेगा, जहां फोर लेन नहीं है, बीच में डिवाइडर नहीं है, जहां पर आपको बिल्कुल ट्रक को ओवरटेक करना है या सामने से आप देख सकते हो ट्रक आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्रूज कंट्रोल ना लगाएं। क्रूज कंट्रोल लगाने के नुकसान ये हैं दोस्तों कि आपका जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं ना वो बढ़ जाएंगे अगर आप गलत तरीके से उसको लगाएंगे। उसको लगाने का भी सही तरीका, जैसे कि आप देखेंगे ये देखो रॉन्ग साइड से वो ट्रक आ चुका है भाई, ओवरटेक पे ओवरटेक करे जा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप क्रूज कंट्रोल लगाओगे तो गाड़ी में क्या ही कंट्रोलिंग आएगी। तो कंट्रोलिंग के लिए आपको करना क्या है, या तो आपके पास एक्सप्रेस वे हो, ठीक है, या फिर आपको पानी पीना हो तो भाई 20-30 की स्पीड में क्रूज कंट्रोल लगा लो, है ना। ज़्यादा स्पीड में क्रूज कंट्रोल लगाना आपकी जान पे खतरा बन सकता है। और सारा देश भाई मैं भी बोलना चाहूँगा कि जो ऋषभ पंत जी का एक्सीडेंट हो चुका है तो आप लोग भी सेफ राइड करें दोस्तों, ओवर स्पीड ना करें, सीट बेल्ट लगाएं, अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी लें। और साथ ही साथ दोस्तों भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो अच्छे सबके पसंदीदा क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत जी, उनके भाई जल्दी स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी वीडियो वायरल हो रही है कि XUV 700 में वो लगा लेते हैं ऑटोमेटिक वाला मोड, उसके बाद सीट को रिक्लाइन करके यहाँ पर ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं, ड्रिंक बनाई जा रही है ना, बिल्कुल मतलब क्या बोल दूं मैं इसको, का बारार बना लियो, का गाड़ी को पब बना लियो। तो अगर आप सोचो कि क्रूज कंट्रोल लगा के आप ये सारी हरकतें करने वाले हैं दोस्तों, तो भाई क्रूज कंट्रोल आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, है ना। बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन भाई पहले आप सोचो भी तो कि आप कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करते हो यार, ठीक है। जिस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल है, जो गाड़ी ऑटो असिस्ट है, इसको आप लगा लेते हो अपने मोड में, इसके बाद आप क्या करते हैं, पत्ते खेलते हैं, ड्रिंक बनाते हैं, गप्पे मारते हैं, पालथी मोड़ के यहाँ बैठ जाएंगे सीट को पूरा। ये देखो, ये भाई साहब देखो हमारे ये पालथी मोड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, सीट को चलती गाड़ी में रिक्लाइन नहीं करना है भाई। देखो ये क्रूज कंट्रोल जो होते हैं या ऑटो असिस्ट जो होता है, ये आपकी सेफ्टी के लिए होता है कि मान लो रात में अगर आपको नींद लग गई है ना, तो उसके बाद आपकी गाड़ी कहीं ठोके ना, कुछ सेकंड कुछ मिनट थोड़ा देर वो चल जाए ताकि आप जाग जाए, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रूज कंट्रोल लगा के ये सारी हरकतें करने लगे, ठीक है। मैं कुछ वल्गर तो बोलना नहीं चाहूंगा, बहुत से लोगों को जब हम लोग कभी राइड पे जाते हैं या कभी गाड़ी का रिव्यू करने जाते हैं, सामने से आती गाड़ी में हम देखेंगे कि स्टेयरिंग छोड़ के वो गर्लफ्रेंड के साथ छीना झपटी करते हैं लोग, है ना, क्रूज कंट्रोल लगा के, ऑटो असिस्ट लगा के। क्या कंपनी आपको इसलिए ये सारे फंक्शन दी है,
क्या पेरेंट्स आपको गाड़ी लेके इसलिए दिए हैं? तो दोस्तों ये सारी हरकतें करने से आप खुद की भी जान लेके जाएंगे, साथ में सामने वाला जो बेचारा कोई गरीब अपने घर जा रहा है उसको भी ठोक के उसकी भी जान ले लेंगे आप। तो क्रूज कंट्रोल का भाई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, इसलिए क्रूज कंट्रोल आपको देखना है कि आपको लगाना कब है, हर टाइम के लिए नहीं है दोस्तों, है ना, और मस्ती मजाक के लिए तो है ही नहीं। और गाड़ियों से सीरियस हो जाओ यार, ये क्या हरकतें हैं बिल्कुल, और स्टंट करना है, है? क्या पागलपंती बताइए आप, आपको स्टंट करना है ग्राउंड जाओ ना यार, दूसरों की जान पे क्यों खेल रहे हो आप? आपको मरने का शौक है, मौत का कुआं में गाड़ी चलाओ, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ कर ले। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ये वीडियो वायरल हो रही है, जैसे ये वीडियो क्रूज कंट्रोल लगा के या ऑटो असिस्ट लगा के ये जो हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों को पकड़ के इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए, गाड़ी सीज कर देना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा सा भावुक हो चुका हूँ मैं, तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही, और दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जैसा कि यहाँ मेरे को लगता है नया साल आने वाला है, तो आरटीओ चेकिंग चल रही है क्या? अरे वो मेरी कार है क्या भैया, देखो कौन सी दूसरी है, वही है आरटीओ, वही वही वही, अगर वही रोक देना है अपने भी काम बन जाएगा। आरटीओ नहीं है भाई, चेकिंग चल रही है।